हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर हमारे सेकेंड सेमेस्टर में जो कार्बोहाइड्रेट था उसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, राइट। आज के इस लेक्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के मेटाबोलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और आगे इसमें देख रहे हैं आप हिंदी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, और इसी तरीके से एक आपको और पोर्शन दिखेगा जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक्चुअल क्या है कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी। क्या प्रोवाइड करी जाएगी बच्चों? पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, और बाकी जो लिखाने का तरीका जो रहेगा, पढ़ाने का तरीका जो रहेगा, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो मैंने अभी आपको क्लियर कर देना है इसमें कि जो पढ़ाने का तरीका है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, लेकिन जो इंग्लिश की पीडीएफ है वो आपको इसी लेक्चर में आपके पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दी जाएगी जल्द से जल्द, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, किस तरीके से उसको तोड़ा जाता है, किस तरीके से काम लिया जाता है, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो आज का पहला लेक्चर रहेगा हमारा, इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूरे ग्लाइकोलिसिस टॉपिक को हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत कवर अप करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये समझ लें कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में है क्या, कैसे करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहने का मीनिंग ये हो गया तोड़ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सुना होगा आपने, हमारे बॉडी के अंदर चलती हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हमारे बॉडी के अंदर हो रही हैं, दैट मींस वहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें एनर्जी को बनाया जा रहा है, या जिन अभिक्रियाओं से एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कवर करती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए मुझे भोजन चाहिए, भोजन खाएंगे फिर वो एटीपी के रूप में टूटेगा, फिर हमारा दिमाग काम करेगा। अगर आप मान लीजिए कि वर्कर हैं, या आप हार्ड वर्कर हैं, आप एथलीट्स हैं, आप जिम्नास्टिक हैं, आप जाते हैं रनिंग करने के लिए, आप जिम करने जाते हैं, तो वहां पर भी क्या है, भारी अमाउंट में, भारी मात्रा में आपको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगा? भोजन से मिलेगा। और वो भोजन किस रूप में हम ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में ले रहे हैं। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट क्या था, कैसा होता है, ये सब तुम लोग समझ चुके थे, ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा यूनिट थर्ड के अंतर्गत ये आता है आपका सेकेंड सेमेस्टर में, इसको हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबोलाइज कैसे किया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ये समझना है। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन एक फ्यूल के फॉर्म में ऑक्सीडाइज्ड होकर अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है, जिसमें कोई डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज चल रही हो, और इस मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का जो काम है, मेन फंक्शन है, ठीक है, वो एक फ्यूल के रूप में है। एक किस रूप में है? ईंधन के रूप में हम इसको यूज करते हैं। और ये जो फ्यूल है, कार्बोहाइड्रेट नाम का जो फ्यूल है, इसको हमारे बॉडी के कोशिकाओं के अंदर क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है। दैट मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद में अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, यानी कि और जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जैसे चलना, बोलना, खाना खाना, उसमें भी एनर्जी रहता है, पढ़ाने में एनर्जी रहता है, एथलीट्स अगर आप हैं, ठीक है, जिमनास्टिक है, तो उसमें भी आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। तो डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एनर्जी का क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है इस मेटाबॉलिज्म के मेथड में। कैसे प्रोडक्शन होता है आगे देखेंगे। देखिए आगे लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज कॉमा फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज, ये तीन ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं। मैंने क्या बोला? मोनोसेक्राइड। मैंने पढ़ाया मोनोसेक्राइड्स क्या होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है ना। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाने वाले तीन मेन मोनोसेक्राइड्स होते हैं, यानी कि तीन ये मुख्य ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इजिली फॉर्म में, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज दोनों ही लीवर में ग्लूकोज में, या लीवर के अंदर ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर आप समझें कि जो फ्रक्टोज होता है
और जो गैलेक्टोज होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है, फ्रक्टोज फ्रूट में पाई जाती है, गैलेक्टोज आप देखते हैं कि कहाँ मिलेगी आपको, मिल्क में। तो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो प्रोटीन या हम ये कह सकते हैं मोनोसेक्राइड्स हैं, ये मोनोसेक्राइड्स को डायरेक्टली हमारा सेल यूज नहीं करता। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी हम लोगों ने फ्रूट खाया उसमें जो फ्रक्टोज बना, वो फ्रक्टोज जाएगा पहले नंबर हमारे कहाँ, लीवर के पास, और लीवर में जाने के बाद में इस फ्रक्टोज को ग्लूकोज में चेंज किया जाएगा, या गैलेक्टोज को ग्लूकोज में चेंज किया जाएगा। फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को चेंज कर दिया जाता है लीवर के अंदर किस रूप में, ग्लूकोज के फॉर्म में। और इस ग्लूकोज का फर्दर आगे क्या होता है, काम होता है, अगर बॉडी को रिक्वायर्ड रहता है तो ये आगे की तरफ भेजा जाता है, अदरवाइज ग्लूकोज को लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में क्या किया जाता है, स्टोर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना हमारा, इसका जो मेटाबॉलिज्म है ये डिफरेंट फॉर्म से हो सकता है। बहुत सारे फॉर्म है, अबाउट 10 to 12 फॉर्म ऐसे हैं जिनके द्वारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जा सकता है। जैसे नंबर एक ग्लाइकोजेनेसिस, ये अपन लोग को पढ़ना है, पढ़ेंगे आके, ग्लूकोनियोलाइसिस ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस में कार्बोहाइड्रेट को कैसे तोड़ा जाता है, ग्लूकोजिनोलाइसिस में किस तरीके से तोड़ा जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का हमारा थीम ही है, ग्लाइकोलिसिस के बारे में भी पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट द ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूविक एसिड टू एसिटिल को एंजाइम ए, यानी कि पाइरूविक एसिड से एसिटिल को एंजाइम ए किस तरीके से बन रहा है वहां पर, उसको वहां पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तोड़ा जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल को बच्चा हम लोग क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। ग्लाइकोलिसिस के बाद में डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि 11th में आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाया गया था आपको प्लांट्स फिजियोलॉजी में, और सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको डिटेल में यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, लिंक रिएक्शन इन दोनों के बीच की है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में लिंक रिएक्शन होता है। ग्लाइकोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो पाइरूविक एसिड होता है, और पाइरूविक एसिड चेंज किया जाता है लिंक रिएक्शन, दैट मीन्स किसमें, एसिटिल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के क्या किया जाता है, उसको फर्दर तोड़ा जाता है। ठीक है, और फर्दर एसिटिल कोएंजाइम ए को तोड़ने के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट आपका क्रेब्स साइकिल में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो पाइरूविक एसिड बना ग्लाइकोलिसिस में और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना क्रेब्स साइकिल में। देन जैसे ये प्रोसेस होता है आगे का एक और प्रोसेस कहलाता है जिसको ईटीएस कहते हैं, जैसे NADPH2 बनता है, FADS DPH2 बनता है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन इनके द्वारा गेन किए गए हैं, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन इनके द्वारा गेन किए गए, इनके तोड़ने से FADS2 से FADH और FADS2 से FAD, NADH2 से NAD और FADS2 से FAD इनका चेंज होना, ठीक है, FADH2 से FAD का बनना, NADH2 से NAD का बनना, राइट। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जब यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है ना बच्चों, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल में होता है, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, इस बात को याद रखिएगा, जहां पर क्रिस्टी पाई जाती है और क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, F1 पार्टिकल जिनको कहते हैं। आई होप आप समझते होंगे इस बात को, बहुत ज्यादा डिटेल में बताने का नहीं है, ठीक है, मैंने सेल बायोलॉजी के अंतर्गत पूरा डिस्कस किया हुआ। तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिससे बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और भी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तोड़ सकते हैं, जैसे हेप्सोज मोनोफॉस्फेट संट, जिसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं, ये भी हम लोगों को पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल के बाद में इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में है यूरोनिक एसिडिक पाथवे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लूकोनियोजिनेसिस इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड शटल, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड पाथवे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एमएससी में आपका चला गया है। ठीक है, वहां पर आपको डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पर जो मेन मेन आपको पढ़ने हैं फॉर्म वो मैंने बता दिए, जैसे ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, ठीक है, ग्लूकोनियोजिनेसिस, और आपका आ गया ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोनियोलिसिस, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले जो अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है आपका, ग्लाइकोलिसिस। तो क्या होता है ग्लाइकोलिसिस, है ना, ग्लाइकोलिसिस किस तरीके से होता है उसको समझना है।
और मैं आपको बता दूं ग्लाइकोलिसिस की कंप्लीट प्रोसेस में अमाउंट अबाउट 10 रिएक्शंस होती हैं, तब जाकर के ग्लूकोज पार्टिकल से आपका पाइरूविक एसिड बनता है जाकर, ठीक है, ग्लूकोज पार्टिकल से पाइरूविक एसिड। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि जो हमारा ग्लूकोज पार्टिकल है ना, ये ग्लूकोज भैया है जो है, इनको पाइरूविक एसिड में कैसा चेंज किया जाए, पाइरूविक एसिड में कैसे बदला जाए। और पाइरूविक एसिड दो बनते हैं, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने पाइरूविक एसिड बनाता है, दो पाइरूविक एसिड बनाता है, इस बात को याद रखिएगा बच्चों, कितने बनाता है, दो पाइरूविक एसिड बनाता है। और दो पाइरूविक एसिड क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है, बहुत अमाउंट में क्या करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, आगे बताऊंगा। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है कि ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति, देखिए ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को मैं आपको यहाँ पर 10 मिनट के लेक्चर में भी समझा दूँ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बात यहाँ पर ये आती है कि आप बीएससी के छात्र हैं और आपको बीएससी का एग्जाम भी देना है, तो बीएससी के एग्जाम देने के लिए आपको बीएससी का मटेरियल भी चाहिए उतना लिखने के लिए, क्योंकि अगर मैं रिएक्शन सारी समझा दूंगा तो आप पन्ने नहीं भर पाओगे, कॉपी नहीं भर पाओगे, आप लिख के सब चाहोगे, अब वही ग्राफ बना दोगे, बात खत्म। लेकिन अगर आप कहें कि आप कॉपी भर पाए या आप उतना डिटेल में लिख पाए जिससे एग्जामिनर जो आपका है वो प्रसन्न हो जाए, तो ऐसा है पॉसिबल नहीं होगा। तो डिटेल में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और ये डिटेल आपको तब समझ में आएगी जब मैं यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ पोर्शन अच्छे से समझाऊँ। ये मैंने उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पहले लिखा है, मैंने खुद पहले बहुत बार पढ़ा, इसको अच्छे से समझा है और बहुत ही सिंपल फॉर्म में डिफाइन करने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये ग्लाइकोलिसिस आज के बाद कभी भूलने को मिलेगी नहीं। मन से पढ़ लो, नहीं समझ में आती दोबारा से आप क्या करेंगे, रिपीट करने इस क्लास को, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ग्लाइकोज, ग्लाइकोज का मतलब होता है सुगर, तथा लिसिस, लिसिस मतलब होता है फ्यूजन, से हुई है। तो ग्लाइकोज और लिसिस ये दो टर्म ऐसे लिए गए हैं ग्रीक भाषा से जिनका मीनिंग होता है सुगर और फ्यूजन, ठीक है। सुगर का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है या फ्यूजन तोड़ा जा रहा है, हम ये कह सकते हैं। सेकेंड यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, ग्लाइकोलिसिस को एम्बिडन मेयर हाफ पाथवे भी कहा जाता है, एम्बिडन मेयर हाफ पाथवे, क्योंकि यहाँ पर ये दो साइंटिस्ट और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे लेकिन ये दो मुख्य हैं। तो एम्बिडन मेयर हाफ ने मिल करके ग्लाइकोलिसिस को बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसलिए इसको एम्बिडन एम्बिडन मेयर हाफ पाथवे भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बायोलॉजिकल सिस्टम में ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल पाथवे होता है, अर्थात यह प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक बोथ सेल्स में या बोथ सेल्स के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। देखिए ग्लाइकोलिसिस की अगर आप बात करें तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ये यूनिवर्सल पाथवे। यूनिवर्सल पाथवे कहने का मतलब समझते हो बच्चों, यूनिवर्सल पाथवे कहने का मतलब होता है कि पूरे पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, इनके अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज का जो पहला प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, ये हर एक ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी। वो अलग बात है कि एंड एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, एंड एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर जो ग्लूकोज पार्टिकल होता है इसको एथिल अल्कोहल में तोड़ा जाता है और मात्र 2 ATP बनते हैं। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन, हम लोग यहाँ पर एरोबिक पढ़ेंगे, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पर एक ग्लूकोज पार्टिकल से 36 से 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, अबाउट 36 ATP हम मान के चलते, 36 ATP का फॉर्मेशन होता है। अगर 36 नहीं दिया होगा तो आपका सही आंसर है 38, ठीक है। 36 से 38 यहाँ पर क्यों कहा गया है, 38 ATP कंप्लीट बनते हैं, लेकिन आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस या ग्लूकोज के एक्टिवेशन में 2 ATP खर्च हो जाते हैं। तो 38 ATP एक ग्लूकोज पार्टिकल से बनते हैं, लेकिन 2 ATP क्या करते हैं, एक्टिवेशन में चले जाते हैं, राइट। तो शुरुआत ग्लाइकोलिसिस की एक्टिवेशन में चले जाते हैं, 2 ATP एक्टिवेट करते हैं। तो आप यहाँ पर समझिए ग्लाइकोलिसिस यानी कि एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए भी क्या लग रहा है, एनर्जी लग रहा है। तो कहते हैं ना, कोई भी बिजनेस आप तब स्टेबल कर सकते हैं जब आप उसमें इन्वेस्ट करें पहले। आप जब इन्वेस्ट करेंगे तभी क्या होगा, वो स्टेबलाइज होगा, स्टेबल होगा, फिर उसके बाद में आपको प्रॉफिट होगा। तो एनर्जी को भी बनाने के लिए सेल के अंदर हमारा क्या करना पड़ता है, हमें एटीपी देना पड़ता है पहले ग्लूकोज को। ग्लूकोज को एटीपी देंगे, 2 ATP लग जाते हैं, बनते 38 है। लेकिन अगर ये 2 38 में से निकाल दें तो कितने हो गए, 36। तो 36 ATP फॉर्म होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 36 से 38 लिखा होता है, कहीं पर 36 लिखा होता है, कहीं पर 38 लिखा होता है। तो
और एक ऑप्शन होता है नॉर्मली, तो आप क्या करेंगे 36 को चूज करेंगे क्योंकि वो राइट आंसर है आपका ग्लाइकोलिसिस के पास, 38 नहीं 36। अगर 36 से 38 दिया हुआ है और 36 अलग से नहीं दिया हुआ है तो आप 36 टू 38 चूज करेंगे। 36 टू 38 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है ठीक है, या 40 दिया हुआ है, नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो आप 36 टू 38 करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है ग्लाइकोलिसिस के कंप्लीट पाथवे का एक्सप्लेनेशन 1940 यानी 1940 में किया गया था। कंप्लीट जो पाथवे आता है ग्लाइकोलिसिस में, कंप्लीट जो रिएक्शंस होती है जिससे आपका ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होता है, उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था, इसको विस्तार पूर्वक जो बताया गया था वो 1940 में बताया गया था, जिसमें बताया गया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी कि जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एटीपी के को प्रोडक्ट के साथ, एटीपी के को प्रोडक्ट यानी एटीपी तो एक सहायक प्रोडक्ट है तो बनेगा ही बनेगा, ये मनी भी कहा जाता है हमारे ठीक है, ऊर्जा ग्रह का हम एनर्जी पावर या एनर्जी सिक्का कह सकते हैं इसको ठीक है, कॉइन ऑफ एनर्जी भी हम कह सकते हैं। एटीपी के को प्रोडक्ट के साथ पाइरूविक एसिड के दो मॉलिक्यूल का प्रोड्यूस होना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। एक्चुअल में ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो आप कहेंगे सर ग्लाइकोलिसिस के कंप्लीट पाथवे का एक्सप्लेनेशन 1940 में किया गया था। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहां से ग्लूकोज मॉलिक्यूल के या ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एटीपी के को प्रोडक्ट के साथ पाइरूविक एसिड के दो मॉलिक्यूल का प्रोड्यूस होना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंट व एब्सेंट दोनों में हो सकती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंट में भी हो सकती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तथा 36 से 38 एटीपी में टूट जाता है, इस क्रिया को एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक कंडीशन कहते हैं ठीक है। यानी ऑक्सीजन अगर लगा ग्लूकोज में ठीक है तो कितने एटीपी बनाएगा, 36 से 38, और ऑक्सीजन नहीं लगा ना तो केवल और केवल दो एटीपी बनेंगे, और ऐसी प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ऐसे के लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की एब्सेंट में यह एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल या एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीट फॉर्म में एथिल अल्कोहल C2H5OS एक कार्बन डाइऑक्साइड तथा दो एटीपी में टूट जाता है, और इस क्रिया को एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं बच्चा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लाइकोलिसिस को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है कि आपको फंसाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो उसका दूसरा नाम कॉमन नाम भी जान लिया जाता है कि भाई ग्लाइकोलिसिस को और किन नामों से जाना जाता है ठीक है। तो यहाँ पर छह और ऐसे नाम है जिसके नाम से ग्लाइकोलिसिस जाना जाता है। पहला नाम है कॉमन पाथवे ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कोशिकीय श्वसन का ये कॉमन पाथवे है, कोशिकीय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस होना ही होता है ठीक है। सेकेंड पोर्शन है साइटोप्लाज्मिक पाथवे, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक्टिविटी होती है। थर्ड है ग्लाइकोलिटिक पाथवे, दैट मीन्स यहाँ पर ग्लूकोज पार्टिकल को तोड़ा जाता है। नेक्स्ट सिस्टोसोलिक पाथवे, सिस्टोसोलिक पाथवे कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो सिस्टोलिक या साइटोसोल है ठीक है, साइटोसोल मीन्स साइटोप्लाज्म कहने का मतलब हो जाता है उसमें आपका क्या कहेंगे, साइटोसोल के साथ साथ, साइटोसोल के साथ साथ आपका सेलोमोनल भी रहता है, तो इनको मिलाकर के साइटोप्लाज्म दे रहे ना, तो साइटोप्लाज्म एक्चुअल में कहाँ पर हो रही है, इसके फ्लूड में, तो इसलिए इसको सिस्टोसोलिक पाथवे कहते हैं, सिस्टोल ठीक है। नेक्स्ट है इम्बिडन मेयरहॉफ पाथवे, इसे इम्बिडन मेयरहॉफ पाथवे के नाम से भी जानता है, और इसे ईएमपी पाथवे, दैट मीन्स इम्बिडन मेयरहॉफ पैरानोज पाथवे, इम्बिडन मेयरहॉफ पैरानोज पाथवे इस नाम से भी इसको जाना जाता है, दैट मीन्स ईएमपी के नाम, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ये तो उसकी कुछ कॉमन बात हो गई, कुछ खास बातें यहाँ पर समझ लीजिए। ग्लाइकोलिसिस पाथवे की रिएक्शन सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, यानी कि जो भी ग्लाइकोलिसिस पाथवे की रिएक्शन हो रही है वो हमारी कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पाइरूविक एसिड में चेंज होने में 10 रिएक्शन भाग लेती है, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का पाइरूविक एसिड में चेंज होने तक
कितनी रिएक्शंस होती हैं आपकी? 10 रिएक्शंस होती हैं। इसमें पहली रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो पहली रिएक्शन है यहाँ पर फास्फोराइलेशन, फास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला यहाँ पर रिएक्शन होगा फास्फोराइलेशन फर्स्ट। फास्फोराइलेशन फर्स्ट क्यों आ गया? क्योंकि तो फास्फोराइलेशन सेकेंड भी होगा, ठीक है। और इस फास्फोराइलेशन फर्स्ट में होगा क्या, यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऊपर एक एटीपी आता है, एक एंजाइम यहाँ पर भाग लेता है, जिसको हेक्सोकाइनेज कहते हैं या ग्लूकोकाइनेज कहते हैं। हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में क्या होता है कि एक एटीपी यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा या उसको एक्टिव करेगा, और एटीपी का एक फास्फेट मॉलिक्यूल ग्लूकोज पार्टिकल के कार्बन नंबर 6 पर जाकर के ऐड हो जाता है, ठीक है। चलो नहीं समझ में आ रहा, देख लो, देखा हुआ है। पहला पॉइंट, इस फेज में अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, अल्फा डी यानी कि ये राइट साइड डी फॉर डेक्सोरोटेटरी है ना, फॉर्म होती है यहाँ पर। तो इस फेज में अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैग्नीशियम आयन तथा एटीपी, देखिए मैग्नीशियम आयन तथा एटीपी के द्वारा एक्टिव किया जाता है। इस फेज में एटीपी का एक फॉस्फेट ग्लूकोज के, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीपी का एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर एड हो जाता है, जिससे यह अल्फा डी ग्लूकोज अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। इस क्रिया को फास्फोराइलेशन कहते हैं, यानी कि एटीपी का लगना, ठीक है, बनना नहीं, एटीपी का लगना फास्फोराइलेशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल को दिया जाता है। देखिए पॉइंट यहाँ पर स्टार बना करके लिखा हुआ है, बहुत खास बात है, इसको समझने के लिए लिखा हुआ है, हेक्सोकाइनेज बॉडी की ऑल सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है ये बॉडी की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, इवन लिवर सेल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन लिवर में इसके अलावा एक और एंजाइम पाया जाता है जिसे ग्लूकोकाइनोज, ग्लूकोकाइनेज कहते हैं। तो ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों बनता है कि ग्लूकोकाइनेज एंजाइम मेनली कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर लीवर में, ठीक है। देखो यहाँ पर एक 6 कार्बन एक श्रृंखला ली गई है जो कि ग्लूकोज है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें एक एटीपी आया और निकलेगा बंदे में एडीपी, ये एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, ये एडनोसिन डाईफॉस्फेट है। आगे में सारी जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका फुल फॉर्म आगे बता दूंगा और भी बता दूंगा। और यहाँ पर एक एंजाइम भाग ले रहा है, दिस एंजाइम आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। और इस एंजाइम की उपस्थित में इस एटीपी का जो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, वो कार्बन नंबर 6 पर, पिछली कार्बन नंबर 6 पर आकर के बैठ जाता है, जिसके कारण अब इसका जो नाम पड़ता है, ये भी 6 कार्बन ही है, ये कोई 7 कार्बन नहीं हो गया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। इसके जस्ट तुरंत बाद, एक बार फास्फोराइलेशन हुआ, फास्फोराइलेशन के बाद में आइसोमेराइजेशन होता है, सॉरी आइसोमेराइजेशन फर्स्ट। आइसोमेरिज्म कहने का मतलब क्या होता है, आइसोमेरिज्म कहने का मीनिंग होता है बच्चों कि कोई एक रिएक्शन है या कोई एक प्रोडक्ट है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर दे, लेकिन उसके अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, और स्ट्रक्चर को चेंज करने के बाद में स्ट्रक्चर को चेंज करे, फॉर्म को चेंज करे, वो अलग दिखाई दे, लेकिन वो अपने वापस उसी स्टेज में आ सकता है, जैसे ग्लूकोज का फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में चेंज होना, ठीक है। तो आइसोमराइजेशन होता है, पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फेज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम, समझिए फॉस्फो हेक्सोज, फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम की सहायता से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर दिया जाता है। इसको कुछ नहीं किया गया, इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को चेंज कर दिया गया, किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इस क्रिया में एल्डोज को कीटोज में चेंज किया जाता है, देखो जो एल्डोज फॉर्म होता है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कीटोज फॉर्म। एल्डोज फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है, और कीटोज फॉर्म क्या है, कीटोज फॉर्म है फ्रक्टोज, ठीक है। बस नाम चेंज हुआ है, ठीक है, फॉर्म चेंज हुआ है, बाकी सब ठीक है। अब जैसे ही आइसोमेरिज्म होगा तो हमारा थर्ड जो स्टेप होगा वो फास्फोराइलेशन सेकेंड होगा। फास्फोराइलेशन फर्स्ट में क्या हुआ, ग्लूकोज को फास्फेट
मॉलिक्यूल दिया गया। अब फास्फोराइलेशन सेकेंड में भी क्या होगा कि फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट जो है इसमें एक आपका एटीपी व मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पर या उसकी प्रेजेंस में राइट, और आपका एक एंजाइम है जिसको हम लोग फास्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम कहते हैं, इनकी उपस्थिति में एक एटीपी को और दिया जाता है और एक्टिवेट किया जाता है, और आपकी जो एटीपी का जो फास्फेट मॉलिक्यूल होता है वो इस फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट के कार्बन नंबर एक पर जाकर के ऐड होता है। तो आगे देखिए क्या हुआ, इस फेज में एक बार फिर फास्फेट मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है, इसमें फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट में एक एटीपी व मैग्नीशियम को अगेन पुनः फास्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फास्फेट मॉलिक्यूल जो इसके कार्बन नंबर एक पर ऐड कर दिया जाता है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, इस फेज में फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट अब फ्रक्टोज वन पामा सिक्स डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। आईयूपीएससी तो पढ़े होंगे ना बच्चों, नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, आपके सर पढ़ा रहे होंगे, जो जहां भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपके सर पढ़ा रहे होंगे आईयूपीएससी, ठीक है। तो उसमें जो नामकरण होता है वो इसी तरीके से किया जाता है, कहाँ पर जो एक्टिव फेज फॉर्म लगी हुई है उनका नाम लिया जाता है, नंबर एक पर लगा हुआ, नंबर छह पर लगा हुआ है, नंबर एक पे फॉस्फेट है, नंबर छह पे फॉस्फेट है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट। अगला पॉइंट, इस प्रकार फॉस्फोराइलेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेशन की क्रिया कंप्लीट हो गई, फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में कार्बन नंबर छह पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, फास्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की सहायता में एक एटीपी मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ पर एडीपी निकल जाएगा, ठीक है। एटीपी बम्बार्टमेंट किया, एडीपी निकला, और यहाँ का जो एक फास्फेट मॉलिक्यूल होगा वो कार्बन नंबर एक पर जाकर के ऐड हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। कार्बन नंबर छह और कार्बन नंबर एक पर क्या पाया जा रहा है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल पाया जा रहा है, जिस कारण फ्रक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट बन गया। नेक्स्ट, एल्डो क्लीवेज, एल्डो क्लीवेज कहने का मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। फोर्थ जो स्टेप, जैसे यहां पर फ्रक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट बनता है, अब एल्डो क्लीवेज होगा। एल्डो क्लीवेज कहने का मतलब होता है कि फ्रक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट को क्या किया जाएगा, अब तोड़ा जाएगा भाई साहब, ठीक है, बीच से। तो छह कार्बन युक्त शर्करा या छह कार्बन युक्त जो मॉलिक्यूल है उसको अब तीन तीन कार्बन फॉर्म में तोड़ दिया जाएगा, बराबर। देखिए लिखा हुआ है, इस फेज में छह कार्बन मॉलिक्यूल अब तीन कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ दिए जाएंगे। इस फेज में फ्रक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल को एल्डोलेज एंजाइम, किसमें, एल्डोलेज एंजाइम की सहायता से तीन तीन कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है। किसमें किसमें तोड़ा जाता है बच्चा, तीन तीन कार्बन में तोड़ा जाता है। इस बात को याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है बच्चों आपकी, ठीक है, कि फ्रक्टोज 1.6 जो डाइफॉस्फेट है इसको एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में तीन तीन कार्बन के रूप में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। और जो तीन तीन कार्बन युक्त कंपाउंड्स बनते हैं इनको क्या कहते हैं, ये खास बात है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें एक तीन कार्बन मॉलिक्यूल को थ्री फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड या थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी हम कह सकते हैं, या थ्री फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड बनता है, ठीक है, या ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट कहते हैं। इसमें एक कार्बन मॉलिक्यूल को थ्री फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड या ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट, ये देखिए शॉर्ट में आप थ्री PGALD कर सकते हो, थ्री PGALD, थ्री फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, या हम कह सकते हैं ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट, तथा दूसरे तीन कार्बन मॉलिक्यूल को डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट कहते हैं। तो यहां पर देखो फ्रक्टोज 1.6 डाई फॉस्फेट को यहां से कट किया जाएगा एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इसके पास में सीजर है, ठीक है, क्या है सीजर, दैट मींस हम ये कह सकते हैं कैंची है, और ये जाकर के तीन तीन कार्बन को अलग कर देगा, ठीक है, जिसमें एक 3PGLD बनेगा और दूसरा डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट बन जाता है, ठीक। जैसे ही यहां पर हमारा ये स्टेप कंप्लीट होता है, अगेन यहां पर आइसोमेरिज्म सेकेंड होता है। आइसोमेरिज्म सेकेंड होगा कहां, एक्चुअल में जो डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट होता ना, इसको चेंज किया जाता है किसमें, 3PGLD में। तो यहां पर आइसोमेरिज्म हुआ ना, तो आइसोमराइजेशन अगेन होता है सेकेंड, ठीक है, जिसमें क्या है, देखिए लिखा हुआ है, इस फेज में
फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट आगे की ओर यूज होता है, लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फास्फेट डायरेक्ट यूज नहीं होता। ठीक है, अगला, इस फेज में डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फास्फेट को फास्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम, समझिए फास्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में 3PGALD में चेंज कर दिया जाता है, जिससे यह ग्लाइकोलिसिस में आगे भाग ले सके। ठीक है, तो होगा क्या कि यहां पर भैया जो आपका डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट है ना, तीन कार्बन युक्त मॉलिक्यूल, इसमें एक एंजाइम यूज होगा एंड दिस एंजाइम आर आल्सो कॉल्ड एज फास्फोट्रायोज आइसोमरेज, राइट। एंड ये क्या करेगा, ये फास्फोट्रायोज आइसोमरेज डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट को चेंज कर देगा 3PGALD में, तो जो 3PGALD का फर्दर आगे डाइजेशन होगा या इसको तोड़ा जाएगा, अब वो होगा। ठीक है, तो सेकेंड या नेक्स्ट सिक्स हेडिंग जो हमारी रहेगी वो रहेगी फास्फोराइलेशन कपलेट टू ऑक्सीडेशन। देखिए यहां पर मैंने फास्फोराइलेशन नहीं लिखा, यहां पर ATP के द्वारा फास्फोराइलेशन या फास्फोराइलेशन का प्रोसेस नहीं हुआ। एक्चुअल में होगा क्या कि यहां पर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट लगाया जाएगा अलग से, H2CO3 के रूप में यहां पर आएगा या H3PO4 के रूप में यहां पर लग सकता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो देखिए लिखा हुआ है इस फास्फेट, इस फेज में इस स्टेप में 3PGALD को ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिसमें डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया होती है, राइट। डिहाइड्रोजिनेशन मींस, देखिए लिखा हुआ है इस फेज में इस स्टेप में ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की बात हो रही है यहां पर, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक इनऑर्गेनिक फास्फेट तथा एक NAD के साथ क्रिया करता है, एक इनऑर्गेनिक फास्फेट तथा एक NAD के साथ क्रिया करता है, और एंजाइम कौन सा होता है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम से याद करना आपका मकसद है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस फेज में इनऑर्गेनिक फास्फेट किस रूप में होगा, H2PO4, ठीक है, से ये एक मोनोवेलेंट फॉर्म होता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट से हाइड्रोजन एटम NAD के साथ एड होकर NADH2 बनाता है, तथा फास्फेट मॉलिक्यूल 3PGALD 3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के कार्बन नंबर 1 पर एड हो जाता है। भाई तो फास्फेट मॉलिक्यूल यहां पर क्या होगा, कार्बन नंबर 1 पर एड हो जाएगा, 1 2 3 तीसरे नंबर पे तो एड था, लेकिन यहां पर क्या होगा कि इनऑर्गेनिक फास्फेट लाइक दिस IP यहां पर लगा, इनऑर्गेनिक फास्फेट लगा और ये फास्फेट मॉलिक्यूल कार्बन नंबर 1 पर जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बना, यहां पर बजे ऐड होकर 1.3 कार्बन नंबर 1 पर फास्फेट, कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट, तो क्या होगा 1.3 डाइफास्फो फास्फेट मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ग्लिसरिक एसिड। तो अभी क्या बन जाएगा, 3PGALD चेंज इनटू द 1.3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, बराबर। जैसे ही बेटा हमारी ये एक्टिविटी या ये स्टेप कंप्लीट होता है, हमारा नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम 1.3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो किस तरीके से ATP का फॉर्मेशन, अब देखिए ATP बनेगा, अब ATP का किस तरीके से फॉर्मेशन होगा 1.3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड से। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ, अब इस फेज में 1.3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड से ADP की सहायता से, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट की सहायता से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को अलग करके ATP का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, या पूरी क्रिया फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम व मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में होता है, तथा बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, 3PGA 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तथा 3 फास्फोग्लिसरेट बन जाता है, तो 1.3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, राइट, तीन कार्बन युक्त यहां पर ये कंपाउंड है, यहां पर एक ADP आया मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस और फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ATP को बना करके बाहर निकालेगा, और जो बचेगा हमारे पास प्रोडक्ट वो होगा 3PGA, दैट मींस 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 1 2 3, यानी कार्बन नंबर 1 से क्या हुआ, फास्फेट मॉलिक्यूल लेके चला गया और ये चेंज हो गया किसमें, इसमें
फास्फोग्लिसरिक एसिड में। चलो भाई, जैसे सेवेंथ स्टेप हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहने का मीनिंग क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहने का मतलब है कि यहां पर सेम किट्टो वही रहेगा, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। क्या? देखिए, इस फेज में फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम, यहां पर कौन सा लग रहा है? म्यूटेज एंजाइम। कौन सा वाला? फास्फोग्लिसरेट, क्योंकि फास्फेट मॉलिक्यूल को चेंज करेगा। तो फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड को 2PGA 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज किया जाता है। अर्थात इसमें होता क्या है, इसमें फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम क्या करेगा, कार्बन नंबर 3 पर पाए जाने वाले फास्फेट मॉलिक्यूल को शिफ्ट कर देगा। कहां पर शिफ्ट कर देगा? कहां पर? कार्बन नंबर 2 पर। कहां पर शिफ्ट करेगा? कार्बन नंबर 2 पर। तो यहां पर देखिए, कार्बन नंबर 2 पर फास्फेट मॉलिक्यूल आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, 2PGA यानी 2-फास्फो, कार्बन नंबर 2 पर फास्फेट मॉलिक्यूल है, ग्लिसरिक एसिड तो हाई है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा नेक्स्ट स्टेप में। देन इसके बाद जो हमारा नाइन्थ स्टेप होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड। दैट मींस फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना, और वाटर मॉलिक्यूल जैसे रिलीज होगा, ये ग्लिसरिक एसिड में क्या होता है बच्चा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं पेपा में चेंज आए, पेपा में चेंज हो जाएगा, फास्फोइनॉल पाइरूविक एसिड में, ग्लिसरिक नहीं, सॉरी, फास्फोइनॉल पाइरूविक एसिड में चेंज होगा। तो देखिए, इस स्टेप में पहला पॉइंट लिखा हुआ, इस फेज में 2PGA के कार्बन नंबर 2 से, यानी 2PGA यानी 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड के कार्बन नंबर 2 से एक हाइड्रोजन आयन तथा कार्बन नंबर 3 से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन आयन और यहां से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को निकाल लिया जाता है, रिलीज होकर वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यह निकाल दिया जाता है, वाटर को निकाल दिया जाता है। यह क्रिया एनोलेज या इनोलेज, दो टर्म है यहां पर, दोनों एक ही शब्द है, किसी किसी बुक में एनोलेज एंजाइम पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर इनोलेज लिखा हुआ है। तो यह क्रिया इनोलेज या एनोलेज एंजाइम द्वारा कराई जाती है। नेक्स्ट, इसके उपरांत बनने वाला प्रोडक्ट फास्फोइनॉल पाइरूविक एसिड होता है। नेक्स्ट, फास्फोइनॉल पाइरूविक एसिड के कार्बन नंबर 2 पर एक हाई एनर्जेटिक फास्फेट ग्रुप, समझिए, एक हाई एनर्जेटिक फास्फेट ग्रुप जिसको हम लोग फ्लोराइड कहते हैं, पाया जाता है। ठीक है, ये फ्लोराइड ग्रुप के कारण ही क्या होता है कि जो 2PGA है, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड है, ये इनोलेज या एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा और पेपा में चेंज हो जाएगा। पेपा कहने का मतलब फास्फोइनॉल पाइरूविक एसिड। पाइरूविक एसिड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा बन चुका है। अब क्या होना है कि एक लास्ट स्टेप होगा और पाइरूविक एसिड हमारे पास होगा। तो नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ पाइरूविक एसिड एंड द जनरेशन ऑफ ATP। यहां पर पाइरूविक एसिड के साथ साथ ATP का भी फॉर्मेशन होता है इस स्टेप में। तो इसीलिए इसको हमने बोल दिया क्या, फॉर्मेशन ऑफ पाइरूविक एसिड एंड द जनरेशन ऑफ ATP। देखिए लिखा हुआ, इस फेज में पाइरूवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसमें, पाइरूवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फास्फोइनॉल पाइरूविक एसिड पर एक ATP की सहायता से फास्फेट मॉलिक्यूल को रिलीज किया जाता है, जिससे ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। सीधी बात है, इस फेज में क्या हो रहा है, पाइरूवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक एंजाइम यहां पर है, पाइरूवेट काइनेज। ठीक है, ये पाइरूवेट काइनेज हाथ बांध करके बैठा हुआ भाई, और हाथ बांध करके बैठ करके देख रहा है कि भाई साहब निकलो, कौन, ATP निकलो। तो फास्फोइनॉल पाइरूविक एसिड पर एक ATP की सहायता से क्या होता है, फास्फेट मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कार्बन नंबर 2 पे आप देख रहे थे फास्फेट मॉलिक्यूल पाया जा रहा है, पेपर में चेंज हो गया, बट फास्फेट मॉलिक्यूल है। अब इस फास्फेट मॉलिक्यूल को ATP की सहायता से हटा दिया जाएगा, जिससे ATP का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, इस फेज में बनने वाला लास्ट प्रोडक्ट पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट भी इसको कहते हैं होता है, कंफ्यूज नहीं होना, पाइरूविक एसिड को पाइरूवेट कहते हैं, जो एसिड फॉर्म होते हैं उनको एट लगाया जाता है उनके लास्ट में, पाइरूवेट है ना, फ्यूमरेट, फ्यूमेरिक एसिड को हम लोग बोलेंगे फ्यूमरेट, है ना। चलिए नेक्स्ट, पाइरूविक एसिड के बनने के बाद ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए, पेपा में क्या होगा, एक ATP आएगा, मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेट रहेगा, ATP निकल जाएगा
और पाइरुवेट काइनेज एंजाइम इसको अब चेंज कर देगा पाइरुविक एसिड में, एंड ये जो पाइरुविक एसिड होता है ये लास्ट प्रोडक्ट होता है, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब हम यहां पर थोड़ा सा ग्राफ फॉर्म देख लेते हैं, अपना एक फ्लो चार्ट समझ लेते हैं अच्छे से। फ्लो चार्ट समझेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई ग्लाइकोलिसिस है क्या। तो देखिए, आपको पता है कि हमको ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ना है, तो ग्लूकोज में सबसे पहले क्या होगा, सेल के अंदर जाएगा ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर के एलिमेंट्री कैनाल से, और सेल में जाने के बाद में फास्फोराइलेशन फर्स्ट होगा। इसमें एक एटीपी मॉलिक्यूल इस पे बम्बार्टमेंट करेगा, एडीपी के रूप में निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा ग्लूकोज सिक्स फास्फेट। ग्लूकोज सिक्स फास्फेट में आइसोमेरिज्म की एक्टिविटी होती है, जैसे ग्लूकोज सिक्स फास्फेट फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है। फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट पे अगेन क्या होता है, एक एटीपी यहाँ पर बम्बार्टमेंट करेगा और एडीपी निकाल देगा, और ये जो प्रोसेस होगा ये सेकेंड वाला आपका होगा फास्फोराइलेशन सेकेंड, और हमारे पास बन जाएगा फ्रक्टोज 1.6 डाइफास्फेट। फ्रक्टोज 1.6 डाइफास्फेट पे एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है एल्डोलेज, और ये एल्डोलेज एंजाइम एल्डोल क्लीवेज करवाता है। एल्डोल क्लीवेज में क्या होगा कि जो फ्रक्टोज 1.6 डाइफास्फेट है ये एक आपका बना देगा तीन कार्बन युक्त फॉर्म 3PGLD, जिसको 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड कहते हैं, और दूसरा फॉर्म बनाएगा DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में आइसोमेराइजेशन का प्रोसेस होता है जिससे ये बना देगा 3PGALD। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म हो गया यहां पर। ठीक, जैसे 3PGALD बनेगा, फर्दर 3PGALD पर क्या होगा, एक जो प्रोसेस होगा इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। मैंने एंजाइम्स का नाम नहीं लिखा, मैंने प्रोसेस का लिखा ऑक्सीडेशन। ये भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, एंजाइम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडेशन होता है जिसमें क्या होगा, एक एनएडी के द्वारा यहां पर हाइड्रोजन एटम को निकाल दिया, आयन्स को निकाल दिया जाता है, तो एक एनएडी दो हाइड्रोजन एटम को निकल के चला जाता है, आयन्स को लेकर के चला जाता है, जैसे NADH2 बन जाता है। जैसे NADH2 बनेगा ये 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड किसमें चेंज हो जाएगा, 1.3 डाई फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, 1.3 डाई फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में, तो 3PGLD एक 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड पर एक NADH, एक NAD आया और NADH2, और इनऑर्गेनिक फास्फेट भी क्या करेगा, काम करेगा। इनऑर्गेनिक फास्फेट भी यहां पर लगेगा, भैया यहां पर मैं लगाए दे रहा हूं, एक इनऑर्गेनिक फास्फेट है जैसे 1.3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। तो जो 1.3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, यहां पर एक एडीपी आएगा और एक एटीपी को लेकर के चला जाएगा, और यहाँ पर एक जो प्रोसेस होगा इसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, जैसे ही यहां से एक एटीपी गायब होगा, ये 1.3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाएगा 3PGA, दैट मीन्स 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होने के कारण ये 3PGA चेंज हो जाएगा 2PGA में, इसको हम लोग बोलेंगे 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इसमें भी वही प्रोसेस हो रहा है 3PGLD। 3PGLD का जो प्रोसेस यहां पर हो रहा है वही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का भी होगा, समझे। अब यहां पर 2PGA जो है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यहां पर डिहाइड्रेशन होगा, दैट मीन्स वाटर निकलेगा, और ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाएगा पेपा में। पेपा की फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड। फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड या जनरेशन ऑफ एटीपी, ये दोनों फॉर्म होंगे यहां पर। तो यहां पर एक एडीपी आएगा, एटीपी को लेके चला जाएगा, दैट मीन्स जनरेशन ऑफ एटीपी कंप्लीट, एंड जैसे ही फास्फेट मॉलिक्यूल गायब, ये फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड चेंज इनटू द पायरुविक एसिड, एंड पायरुविक एसिड आर द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस का होता है। अब यहां पर थोड़ा सा एक हम लोग और चार्ट देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि इसमें टोटल एटीपी कितने बनते हैं। तो नेट गेन एटीपी जो होता है वो चार होते हैं, पूरे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में चार एटीपी बनते हैं, जिसमें दो खत्म हो जाते हैं, दो लग जाते हैं, अगर ये माइनस आप कर दें तो टोटल कितने बचे, दो एटीपी बने। ठीक है, NADH2 की बात करें तो NADH2 कितने बने, तो यहां पर दो NADH2 बनते हैं, कितने, दो NADH2 बनते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एक NADH2 से 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कितने, तीन।
तो एक NADH2 से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, तो टोटल NADH2 कितने हैं? दो, तो 2:3=6, यानी 6 ATP इनसे बनेगा। और ये वाला जो प्रोसेस है ये आपका ATS में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो टोटल ATP अगर आप देखें तो 6 ATP ये हो गए, 2 ATP ये हो गए, ठीक है, तो 6 2 8, तो 8 ATP यहां पर बनते हैं। या हम ये कह सकते हैं 6 यहां पर बने, 4 यहां पर बने, नेट गेन 6 4 10, और 10 में से 2 घटा दो क्योंकि 2 हमारे लगे थे, तो टोटल 8 ATP बनते हैं। एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, नोट पॉइंट, पाइरूविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं जिनका आगे चलकर ऑक्सीडेशन होता है जिससे 30 ATP बनते हैं। टोटल कितने ATP बनते हैं? 30 ATP बनते हैं, ठीक है, 30 ATP बनते हैं। इस प्रकार एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 8 से 8 + 30 = 38, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यहां पर और भी बम्बार्टमेंट होगा कहीं ना कहीं पर, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म कुछ यहां पर दी हुई है, जैसे ATP, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडनोसिन डाइफॉस्फेट, AMP एडनोसिन मोनोफॉस्फेट, NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फुल फॉर्म है ये ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। नेक्स्ट है आपका PGLD, फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड, DIPGLD डाइफॉस्फोग्लिसरलडिहाइड, PGA PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पेपा फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इंग्लिश PDF फाइल कोशिश करूंगा जल्दी अपलोड करा दी जाए डिजिटल फॉर्म में। वैसे आपको ये लेक्चर मिल गया है, ये पूरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपकी सॉल्व हुई हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके यहाँ पर होते हैं उनका आंसर पूछा जाता, तो ये थ्योरी पढ़ने के बाद में आपके कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। बट बच्चा पढ़ना मन से, इतनी गुजारिश है आपसे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो नेक्स्ट क्लास है या नेक्स्ट साइकिल रहता है जिसको क्रेप साइकिल कहते हैं, उस क्रेप साइकिल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।